वेलकम 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 बोलो भारत माता की जय। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज रास्ते में जाते हुए यहां रुकने का एकमात्र कारण है कि श्री जेना को हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे। और उन्होंने जो पार्टी के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए बलिदान दिया है, उसको हम सब आदर के साथ श्रद्धांजलि देकर आज यहां पर एक संकल्प ले कि जिन लोगों ने कारण भाई जेना की हत्या हुई है, उनको जान गंवानी पड़ी है, जब तक उन ताकतों पर हम विजय नहीं प्राप्त करते, हम जेना का स्मरण करते हुए काम में इसका विरोध करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई जगह पे संघर्ष कर रही है, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, और हजारों ऐसे बलिदानी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए अपनी जान की बलिदान दी है। आज ये युवा कार्यकर्ता के चित्र पर पुष्पांजलि करना किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत कठिन है, मगर ऐसे बलिदान ही भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए हैं। और हम सब आज यहां से संकल्पवान होकर जाए कि इनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उड़ीसा को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कभी कोई जैना का बलिदान न हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इस प्रकार की उड़ीसा में व्यवस्था करेंगे। इतने ही बात कर जैना के परिवार और पूज्य माता जी को एक चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भाई जैना को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। वेलकम 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 अमित शाह, वेलकम 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 अमित शाह, वेलकम 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 वेलकम।